भारत माता की, भारत माता की। मन पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता भाई और बहनों, आज मैंने विधिवत रूप से चुनाव अभियान का आरंभ किया। आज सुबह वैष्णो देवी के दर्शन करने चला गया था। मां के दरबार में हाजिरी लगा करके जम्मू कश्मीर से चुनाव अभियान का मैंने आरंभ किया है और आज पहले ही दिन दिल्ली में आप सबसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, आप लोगों को निर्णय करना है दिल्ली वालों को कि दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए। इतने बड़े हिंदुस्तान को चलाने वाली सरकार कैसी हो, आपने देखा है पिछले 10 साल में देश की जो तबाही हुई है शायद किसी एक दशक में इतनी तबाही हुई हो ऐसा कभी किसी की सरकार के समय नहीं हुआ है। हर मोर्चे पर विफल, हर बुरे कर्म में लिप्त, हर प्रकार से गैर जिम्मेवार व्यवहार और अहंकार तो इतना ऊपर चढ़ गया है कि उन्हें अब नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा। न उन्हें जनता की चिंता है, न राष्ट्र के भविष्य की चिंता है। भाइयों बहनों, चुनाव पहले भी होते थे, लेकिन पहले जब चुनाव होते थे तो जो सत्ता पक्ष में बैठे होते थे उस सरकार को हटाने के लिए, उस सरकार को बदल करने के लिए, देश में परिवर्तन लाने के लिए सभी विरोधी दल के लोग इकट्ठे होते थे और विरोधी दल के लोग इकट्ठे होकर के सरकार को हटाने के लिए, सरकार को परास्त करने के लिए गठबंधन करते थे, व्यूह रचनाएं करते थे, योजनाएं बनाते थे। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें मोदी न आ जाए,
इसके लिए गठबंधन हो रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कोई विपक्ष की सरकार बनना जाए। भारतीय जनता पार्टी जीत न जाए इसलिए शासक पक्ष सहित सभी दल नए नए प्रकार के गठबंधन में लगे हैं। ये उनको गठबंधन इसलिए करना पड़ रहा है कि जनता जनार्दन ने चुनाव का नतीजा तय कर लिया है। ये देश का पहला चुनाव ऐसा है जिसमें बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित हो या सामान्य से सामान्य मतदाता हो, ये अभी से बता पा रहा है कि चुनाव में क्या होने वाला है, सरकार किसकी बनने वाली है। ये देश के हर कोने में लोगों ने मान लिया है। भाइयों बहनों, दिल्ली को तो भारी भारी अनुभव हो चुके हैं। अभी अभी आपके चुनाव गए हैं, और कांग्रेस की एक पार्टी और कांग्रेस भी कैसा अद्भुत गठबंधन है। कांग्रेस समर्थन से पहले सरकार बनाओ, फिर कांग्रेस की मदद करने के लिए देश भर में दौरा करने के लिए सरकार से इस्तीफा दो, और पिछले दरवाजे से पूरी सरकार दिल्ली का कारोबार कांग्रेस के हाथ में दे दो। आज दिल्ली कौन चला रहा है? गवर्नर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी फिर चुनाव हारने के बाद दिल्ली में सरकार में आकर के बैठ गई है। क्यों? कांग्रेस को गालियां देकर के वोट लेना और फिर कांग्रेस की गोद में बैठ करके कांग्रेस की मदद करने के लिए नए नए कामराने करते रहना। दिल्ली की जनता इनको बराबर जान रही है। ये कांग्रेस की बी टीम है, और ये कांग्रेस की बी टीम कांग्रेस का भला करना यही उनका मकसद है। उनको हिंदुस्तान की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में भारतीय जनसंघ के समय, भारतीय जनता पार्टी के समय हम लोग 25-25, 30-30, 40-40 साल तक विपक्ष में हमने काम किया है। हमारे एकाध एमएलए चुन करके आए, दो चार दस कॉरपोरेटर चुन करके आए, सत्ता नहीं मिलती थी। उसके बावजूद भी विपक्ष की जिम्मेवारी के नाते हम लोग आज भी जहां विपक्ष में हैं, नागरिकों के अधिकार के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए सरकार में बैठे हुए लोगों से लोहा लेते रहते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, तो आज भी करते हैं हम लोग। जो लोग दिल्ली में रात को रैन बसेरा में जाकर के कैमरा वालों को लेकर के जाकर के तस्वीरें निकालते थे, रात को अफसरों को डांटते थे, अब विपक्ष में जाने के बाद उन रैन बसेरा के लोगों को क्यों भूल गए? दिल्ली के लोगों को भूल क्यों गए? और इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र का जो दायित्व होता है
लोकतंत्र की जो जिम्मेवारियां होती हैं उसके लिए जो एक मैच्योरिटी चाहिए, प्रजा के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए, इसका पूरी तरह अभाव नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, कोई गलती करे तो हमारा देश माफ कर, ऐसे धोखेबाज लोग राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और दिल्ली जैसे जागरूक मतदाताओं ने एक कांग्रेस के भिन्न भिन्न रूपों को पहचानने की आवश्यकता है। कांग्रेस हर बार नया रंग रूप सजा लेती है और अपना उल्लू सीधा करती रहती है। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली के मतदाताओं के लिए इस चुनाव में अपने अनुभव के आधार पर निर्णय करना है।